हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स योर फेवरेट चैनल एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू टू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई एम गौरी इकोनॉमिक्स एजुकेटर टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर डिस्कस किया था कि फिफ्टी से लेकर नाइन तक क्या इंप्रूवमेंट हुआ और क्या स्टेटस था हमारी इकॉनमी का राइट तो स्टूडेंट्स उसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारे टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर ऑल द क्लासेस अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सीबीएसई की हम कवर करते हैं क्लासेस के लैबल डिफरेंट स्टेट बोर्ड को फॉलो करते हैं लाइक यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड डेरी बोर्ड बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है तो इसी बात में सबसे पहले आपको क्या करना है जल्दी से करना है लाइक एंड सब्सक्राइब टू दैनिक तो so स्टूडेंट्स जैसे कि हमें पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़े ट्रामा हो जाते हैं आजकल बिकॉज अभी डायरेक्ट नहीं रहे हैं राइट सो दैट इज वाई कैसे हमें इन को करना है तो डायरेक्ट भी भी हो भी हो इनडायरेक्ट दोनों को हम करना सीखते हैं तो so स्टार्ट करते हैं चलो पहला वाला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन क्योंकि वार्म अप सेशन चल रहा है अभी तो फिलहाल राइट सो क्वेश्चन नंबर वन क्या हो जाएगा मेरे पास वेन वॉज द प्लानिंग कमीशन सेटअप कब प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था फोर्टी नाइन नाइनटीन या एटी आपको बेसिकली मुझे एक पर्टिकुलर ईयर बताना है जो कि बहुत सिंपल है जल्दी सोचेंगे सभी अब मुझे इतना तो पता है कि भाई प्लानिंग कमीशन हमने बिफोर इंडिपेंडेंस तो किया नहीं होगा तो एटी फिफ्टी तो आना ही नहीं चाहिए बचा क्या 1956, 1950, 1949. अब 1956 इतना लंबे टाइम के बाद भी हम सेटअप नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो जल्दी डेवलपमेंट चाहिए था

और लैंड सीलिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पोर्शन लैंड का रख लेती है और बाकी का जितना भी पोर्शन है उसको क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सो दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स क्लियर एवरी वन क्विकली टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वन डन पक्का okay. क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ फाइव ईयर प्लान इसमें से कौन सा फाइव ईयर का प्लान नहीं है ग्रोथ इक्विटी लैंड रिफॉर्म्स या मॉडर्नाइजेशन अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एवरी वन थिंक ऑफ इट मैंने आपको याद कराया है कि जो हमारे फाइव ईयर प्लान उसके कुछ गोल्स होते थे जिसके बेसिस या पैरामीटर्स पे सारे गोल्स को सेटअप किया जाता था उसका मतलब क्या होता है पहला था हमारे पास ग्रोथ सेकेंड था मेरे पास मॉडर्नाइजेशन थर्ड मेरे पास एक और चीज थी और लास्ट पे मेरे पास था इक्विटी तो थर्ड नंबर पे मेरे पास क्या था थर्ड नंबर पे क्या था भाई हमें सेल्फ रिलायंट बनना है आत्मनिर्भर बनना है राइट सो दैट इज वायर लैंड रिफॉर्म्स मेरा पार्ट नहीं था किसका पार्ट था हमारे पास सेल्फ रिलायंट का पार्ट था कि हमें भाई आत्मनिर्भर बनना है क्लियर तो ये किसका पार्ट था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का फिर क्वेश्चन नंबर फोर है मेरे पास कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय कैपिटलिस्ट कैपिटल जो रहती है उसको कौन कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बोथ ए बी या नाइदर बी अगेन मैंने हमेशा से आपको बोला है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी सोशलिस्टिक इकॉनॉमी होता है यानी सोशल वर्ड आ रहा है ना सोशल वेलफेयर कौन करता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट करता है मिक्स्ड का मतलब क्या होता है जब दोनों सेक्टर मिले हो तो बच्चा कौन सा प्राइवेट सेक्टर ही बचा ना जब हर एक काम हर एक डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर के पास होती है तो किस में आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्लियर सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली प्राइवेट सेक्टर इज टेकिंग द इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर हर एक चीज कर रहा है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारे पास आ जाता है क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर फाइव है मेरे पास इंडिया अडोप्टेड द डैश इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट मिक्सड सोशलिस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर सारा काम कर रहा है ठीक है वहीं पे सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर सारा काम कर रहा है और मिक्स का मतलब क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना पीपी बेसिकली जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की पार्टनरशिप होती है मॉडल मॉडल दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब तीनो, मतलब तीनों दोनों मिलके काम करते हैं आपकी इकोनमी के लिए तो हमारी इंडिया ने क्या सोचा भाई दोनों का साथ जरूरी है तभी विकास हो पाएगा सो दैट इज वाई दोनों की इकोनमी का बेटर बेटर चीजें बेस्ट चीजें हम लोग साथ में मिला लेंगे मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिक्सड इकॉमी एवरी वन डी का स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वन Done? पक्का आगे बढ़े समझ गए सभी चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स ईयर प्लान वॉज लॉन्च फॉर पीरियड फ्रॉम कब हमने पहला फाइव ईयर प्लान किया था अगेन अ वेरी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हमारा है, है अभी आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था प्लानिंग कमीशन ही तो था जो प्लान करता था तो क्या प्लानिंग कमीशन से पहले मेरे पास कोई प्लान बन सकता है नहीं तो मुझे कहाँ एलिमिनेट हो गया ये वाला पोर्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया बिकॉज प्लानिंग कमीशन के बनने से ही पहले प्लान कैसे बन जाएगा प्लानिंग कमीशन कब बनाए है 1950 में तो आप खुद सोचो कि कौन सा हो सकता है जल्दी से कॉमन सेंस जुड़ाएंगे सभी दैट वॉट कैन बी द क्वेश्चन भाई सिंपल सी बात है जब 1950 में बना है तो पहला हमारा प्लानिंग कमीशन 1951 से ही बनेगा ना सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन अगर हम बात करते हैं जिसने फाइव ईयर प्लान बनाया था दैट वाज फ्रॉम 1951 टू 1956 क्लियर जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से ओके okay. डन आगे बढ़े चलो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास टू प्रोटेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज सॉरी गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट्स कम मेड यूज ऑफ कोटास टैरिफ्स बोथ ए एंड बी तो आपको पता है कि हम लोग ने एक पॉलिसी लगाई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था क्या बोलते थे कि भाई घर का सामान घर पे ही बनाइए कहीं और से आपको कुछ सामान लाने की जरूरत नहीं अगर आपको पता है कि आप घर में सारी चीजों को बना सकते हैं इफ एन इंडिया इज केपेबल ऑफ मेकिंग एनी गुड्स वी शुड वर्क हार्ड टू मेक श्योर वी आर एबल टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन दैट वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री राइट तो जब हम बात करते हैं कि एकदम से तो पॉसिबल नहीं बहुत सारे मेजर्स करने पड़ते हैं कोटा का मतलब क्या रहता है हमने कोटा सेट कर दिया कि सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द जो गुड्स हैं, आप बाहर से मंगा सकते हो बाकी का एटी परसेंट आपको इंडिया में बनाना रहेगा फिर आदमी क्या सोचता है भाई अस्सी जब हम खुद ही बना रहे हैं तो बीस के लिए क्यों इतनी मगजमारी करना है ना अस्सी परसेंट बना रहे तो हंड्रेड परसेंट हम बनाएंगे तो गवर्नमेंट का एक मेथड होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कि आप खुद से सारी चीज़ों को करिए तो इसलिए कोटा सिस्टम लगाया जाता है टैरिफ क्या होता है एक तरीके से सो तो कोटा एक तरीके से मेरी लिमिट होती है वहीं पर टैरिफ होता है मेरा एक तरीके से टैक्स कि आप किसी चीज को इतना महंगा कर दो सामने वाले के लिए सोचे कर रह दो घर पे बना लेंगे जो जोमेटो कर देते हैं ना हमारे साथ कभी कभी हम सोचते हैं एक सैंडविच मंगा लेते हैं फिर हम देखते हैं उसका प्राइस डिलीवरी के साथ भाई इतना महंगा कर दिया तुमने हम बोलते तो रहन दो अच्छा मैगी बना के खा लेंगे बढ़िया है ना बढ़िया मैगी बन जाएगी हमारी घर पे तो इसका मतलब क्या होता है टैरिफ इतने ज्यादा हो गए आपके लिए बड़ा महंगा हो गया इंपोर्ट करना तो आप सोचते हो कि भाई हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करके मैगी ही बना लें राइट चलो तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्लियर अच्छा मैं लिख देती हूँ इसको जो मैंने यहाँ पे आपके लिए, लिए लिखा हुआ था क्लियर अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से

डन कैसी इकोनॉमी है हमारी मिक्सड इकोनॉमी है प्रॉब्लम क्या है रिसोर्सेस केयर्स हैं कैसे अलोकेट करेंगे मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अगेन व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ मैंने हमेशा बोला ये भी याद रखा करो इन वॉट क्वान्टिटी इन वॉट क्वान्टिटी वहीं पे जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि कौन सा मेथड आप यूज कर, कर रहे हो कौन सा टेक्निक आप यूज कर रहे हो एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है हु विल बी योर एंड यूजर हु विल बी योर एंड यूजर क्वेश्चन नंबर नाइन डैश इकॉनॉमी इज द इकॉनमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट तो ऐसी कौन सी इकॉनॉमी है जहां पे हर एक चीज गवर्नमेंट करती है अभी मैंने आपको लिखवाया भी था क्या वो मिक्स इकोनॉमी है क्योंकि मिक्स में तो दोनों करता है सोशलिस्ट में कौन करता है और कैपिटल इकोनॉमी में कौन करता है एक तरीके से डेफिनेशन भी अच्छी है तो आपको उसको लिख लेना चाहिए राइट मैं टाइम दे रही हूँ आप सभी को जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर नाइन का क्या आंसर हो सकता है अगेन भाई बहुत सिंपल है एवरी थिंग्रोल्ड बाय द गेंट यान बिकॉज एवरी वेलफेयर और पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है गवर्नमेंट के पास क्लियर इसका स्क्रीन शॉट लेंगे सभी जल्दी से क्विकली एवरी वन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वन चलो आगे बढ़े बढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन नंबर टेन स्केड कंपनीज कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंडस्ट्रीज विच बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट हमने पढ़ाई कि इंडस्ट्रीज को तीन तरीके से डिवाइड किया है कैटेगरी नंबर वन कैटेगरी नंबर टू एंड कैटेगरी नंबर थ्री जिसको हम लोग स्केड्यूल ए स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी भी बोलते हैं ये हमारे पास थ्री कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं एक इसमें से ऐसी होती है जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होता है एक ऐसी होती है जिसमें स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं और एक ऐसा होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर पूरा काम करता है लेकिन उसको लाइसेंस दिया जाता है जल्दी बताओ तो अगेन पूरा का पूरा जो स्टेट कर रहा है वो है मेरे पास स्केड्यूल ए तो याद रखना कि स्केड्यूल ए में क्या होता है वेट में दूसरा कलर ढूंढती हूं एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट या मैं बोल सकती हूँ गवर्नमेंट कंट्रोल करता है पब्लिक सेक्टर ठीक है वहीं पे जब मैं बी की बात करती हूँ तो यहां पे क्या होता है पब्लिक का मेजर रोल रहता है प्लस प्राइवेट ठीक है एंड लास्ट में मेरे पास क्या रहता है इसमें प्राइवेट सेक्टर रहता है लेकिन इनको क्या मिलता है लाइसेंस लाइसेंस कौन देता है ज गिवेन बाय द गवर्नमेंट ठीक है तो अगर मैं कंट्रोल की बात करती हूँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है पूरा रहता है इसमें मेजर और इसमें क्या रहता है इनडायरेक्टली होपफुली दिस पोर्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन विल राइट दिस टाउन

वहीं पे जो सी वाला पार्ट रहता है यहाँ पे क्या रहता है लाइसेंस दिया जाता था प्राइवेट सेक्टर को तभी वो कोई कंपनी को सेटअप कर सकते थे लेकिन लाइसेंस कौन देता था गवर्नमेंट देता था तो इनडायरेक्टली सही लेकिन कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट का रहता ही था सो दैट इज वाई ये तीनों पोर्शन में आप देखोगे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ही तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट लिखा है इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट संभाल रहा है सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा ए दैट इज योर स्टेट चलो सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो बहुत शॉर्ट सा वीडियो बहुत जल्दी से हमने फिनिश कर लिया है एंड आपको ऐसे और भी एम सी की उसको प्रैक्टिस करना है एंड आने वाले सेशन्स में बिकॉज ये हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का है आपके लिए बहुत सारे सेशन्स हमने प्लान कर रखे हैं सो डू नॉट वरी अबाउट इट लेकिन अभी आपके लिए जरूरी है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखें समझें रिवाइज करें डेली बेसिस पे ताकि आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए राइट स्टूडेंट्स ऑन दैट नोट मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स में आपको क्विकली बताना चाहती हूँ कि मैगनेट बेन्स एक ऐसा चैनल स्टूडेंट्स तो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड स्टूडेंट्स

राइट एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है चाहे वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो या मेरा व्हाट्सअप हो आपको बिल्कुल बने रहना है मैंगेट ब्रेन्स पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कुछ नहीं करना है वेबसाइट पर जाना है वहाँ पर आप क्लिक करो आपकी जो भी क्लास है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप क्लिक करो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी टीचर्स के उनके कोर्सेज की तो सपोज आपको इंडियन इकोनॉमी का ढूंढना है आप डायरेक्टली जाओ क्लास 12 सर्च करो आपके कब आप कौन सी क्लास कवर करी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी तो क्लियरली जाकर आप देख सकते हो और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो राइट right स्टूडेंट्स तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट बेस पर रिवाइज करते रहना है अच्छे से पढ़ना में टिल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग